फाइनल में आउट नहीं थे रोहित शर्मा, ट्रेविस हेड से छूट गया था कैच। क्या है खबर की पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्त। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले को ख़त्म हुए 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस अब तक यह मानने को तैयार नहीं कि टीम इंडिया के हाथ से वर्ल्ड कप ट्रॉफी निकल चुकी है। यही कारण भी है कि सोशल मीडिया पर कई सारे ऐसे दावे सामने आ रहे हैं कि जिनमें टीम इंडिया के साथ वर्ल्ड कप फाइनल में चीटिंग के दावे किए जा रहे हैं। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में, बने रहे हमारे साथ। दरअसल सोशल मीडिया खासकर यूट्यूब पर कुछ अकाउंट ऐसी खबरें डाली गई कि वर्ल्ड कप फाइनल में रोहित शर्मा आउट नहीं थे। इन खबरों में यह कहा गया कि ट्रेविस हेड से यह कैच छूट गया था, लेकिन फील्ड से लेकर फोर्थ एम्पायर तक इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। इन खबरों में ट्रेविस हेड की एक तस्वीर भी दिखाई जा रही है जिसमें उनके हाथ से गेंद नीचे गिरी हुई नज़र आ रही है। यूट्यूब के ये वीडियो अब इंस्टा और फेसबुक से लेकर तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क पर सर्कुलेट हो रहे हैं, लेकिन क्या वाकई यह सच है जानेंगे इस वीडियो में। इसका जवाब दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ, इसका जवाब ना में है। रोहित शर्मा के आउट नहीं होने और ट्रेविस हेड से कैच छूटने के सारे दावे गलत हैं। इस कैच का वास्तविक वीडियो देखने पर हर किसी को यह साफ हो जाएगा। मैच के दौरान कई बार इस वीडियो को दिखाया गया था जिसमें ट्रेविस हेड बड़े स्पष्ट तौर पर कैच लपकते हुए नजर आए थे। इसमें भी कोई अलग मत नहीं होने चाहिए कि वर्ल्ड कप फाइनल में गेम के हर विभाग में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत पर हावी रही थी। निश्चित तौर पर गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण, बल्लेबाजी से लेकर रणनीति तक हर विभाग में ऑस्ट्रेलिया बेहतर रही थी और यही कारण भी है कि वह चैंपियन बनी। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। थैंक यू।